हेलो सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है जगनदीप सिखों अते तुहाडा सारयां दा स्वागत है श्री गुरु रामदास कोचिंग सेंटर वालों। दोस्तों, जिस तरह के मैं परसों तुहानू हिस्ट्री दी वीडियो दित्ती सी, जिस विच मैं स्टोन एज स्टार्ट कर दित्ता सी अते मैं तुहानू कुछ आदमियों दे नाम दस्से सन अते उन्हां दे विचों एक ने जो पत्थर युग है स्टोन एज है उसनू तीन भागों विच वंड दिता सी, डिस्ट्रीब्यूट कर दिते सन। तां आपां अज उन्हां तिना भागों बारे पढ़ांगे। अते वीडियो स्टार्ट करन तों पहलां मैं तुहानू दस देवां कि इस वीडियो नू वध तों वध शेयर करो, तां जो इह वीडियो तुहाडे जिन्हें भी रिलेटिव्स हन, फ्रेंड्स हन, उन्हां तक पहुंच सके अते वो भी इस वीडियो तो कुछ सीख सकन अते उन्हां नूं पता लग जावे कि असी नोट्स किस तरह बनाउणे हन, तां जो असी एग्जाम दे विचों वधिया मार्क्स लैके गवर्नमेंट जॉब है जो वो प्राप्त कर सके। तां ज्यादा गल ना करते हुए आपां वीडियो ते चलदे हां, जो कि मैं तुहानू अज करावांगा स्टोन एज पत्थर युग दे बारे विच हन। आपां उस दिन गल कीती सी कि तीन भागां विच वंड दित्ता सी, पेलियोलिथिक, मैसोलिथिक, नियोलिथिक। तीन भागां दे विच कन्वर्ट कर दित्ता सी। तां पेलियोलिथिक ही याद करना है सब तों पहलां, तुहानू मैं इह दस देवां, क्योंकि जो एग्जाम दे विच क्वेश्चन आउंदे हन ओह सीधा ही आउंदा है पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक जां नियोलिथिक। तां पेलियोलिथिक नूं याद करना बहुत सौखा है। पेलियो दे विचों आपां पहलां पेली नूं फड़ लैंदे हां, पेली तों आपां बना लैंदे हां पिली होई वस्तु। पिली होई वस्तु मीन्स ओही होवेगी जो पुरानी होवेगी, मीन्स ओल्ड। तां पेलियोलिथिक ओल्ड हो गया। मैसो मीन्स जो मिट वाला हुंदा है, आपां इह याद करना मैसो तों मिट वाला, तां इह मैसोलिथिक हो गया जो मध्यकालीन हो गया पत्थरकाल। नियोलिथिक, नियो तों आपां न्यू लैणा है तां इह है नियोलिथिक। तां इस तरह मैं इन्हां नूं वंडिया होया है। तां आपां इस तरह करते हां कि एक आधार है आपां सारे उन्हां दे बनाए हुए हन कि किस किस आधार ते क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपां उही लए हन। अते मैं तुहानू जिन्ना कुछ भी दसांगा इह सारा कुछ पेपर दे विच आया होया है। अते जिवें जिवें वीडियो समाप्ति वल जावेगी तां तुहानू सब कुछ पता लग जावेगा कि जिन्ना भी कुछ लिखिया है इह एग्जाम च पूछिया गया है अते कुछ इहो जिहे हन जो पूछे जाणगे, तां सारे इंपोर्टेंट हन। तां तुसीं चैनल दे नाल बने रहना, विचों छड़ के ना जाना, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोन एज है जो हुण एसएससी बैंक एंड अदर एग्जाम दे विच पूछिया जाण लग पिया है। तां दोस्तों तुसीं वीडियो दे अंत तक बने रहना। तां सब तों पहलां आपां गल करदे हां समें दी। पेलियोलिथिक दा समां बड़ी बार आया है, तां समां है 5 लख बीसी तों 1000 बीसी तक, अते मैसोलिथिक दा समां है 10000 बीसी तों 4000 बीसी तक, नियोलिथिक दा समां है 10000 बीसी तों 1000 बीसी तक। तां तुसीं सारे कंफ्यूज हो गए होवोंगे जां तुसीं मैनूं गलत कह रहे होवोंगे कि 10000 इत्थे लिखा है, 10000 इत्थे लिखा है। तां मैं तुहाडी कंफ्यूजन दूर कर दिंदा हां कि दोस्तों जो मैसोलिथिक पीरियड सी इस विच दो काल चल रहे सन, एक चल रहा सी मैसोलिथिक दे नाल ही जो दूजा काल सी चल रहा सी नियोलिथिक। तां मैसोलिथिक दे विच लोग जो वर्क करदे सन, कुछ भी करदे सन, तां ओह डिवेलप जो सन ओह नहीं सन। अते इह की है डिवेलपमेंट वल वध चुके सन, मीन्स मैसोलिथिक दे विच दो काल सन जो चल रहे सन। कुछ क लोग इह सी कि जो इनोवेटिव सन, इनोवेशन कर रहे सन, कुछ ना कुछ नवां कर रहे सन, ते कुछ क लोग इहो जिहे सी कि रोटी ते निर्भर सी अते अपना
ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀ ਸਕਣ ਜਿਉ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 10,000 BC ਤੋਂ 4,000 BC ਤੱਕ, ਅਤੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 10,000 BC ਤੋਂ 1,000 BC ਤੱਕ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ BC ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ AD। ਤਾਂ BC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ 2020 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ? 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, 0 ਤੋਂ ਹੀ 2020 ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ 0 ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ 1 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2020 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਜੇਕਰ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 2020 ਤੋਂ 2019, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਬੈਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਡ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ 2019 ਦਾ 1 ਜੁੜਿਆ 2020 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫੋਰਮ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰਿਸਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਆਫਟਰ ਡੈਥ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸਮ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ BC ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਦ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ AD ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਨ, BC ਅਤੇ AD। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀ ਪੂਰਵ ਤੇ ਇਸ ਵੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੀ ਪੂਰਵ ਮੀਨ ਇਸ ਵੀ ਤੋਂ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਵ ਜਦ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਿ BC ਅਤੇ AD ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 5,00,000 BC ਤੋਂ 10,000 BC ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 10,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10,000 ਤੋਂ 4,000 ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ 10,000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ 25-30-40 ਲੱਖ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਰਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਲੌਂਗ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜੱਪਾ ਸਭਿਅਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਸੋਲੀਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਘਾਟੀ ਸਭਿਅਤਾ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਸੋਲੀਥਿਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2500 ਤੋਂ 1750 BC ਹੈ, ਤਾਂ 2500 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਮੀਨਸ 4,000 BC ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1,000 BC ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੋਲੀਥਿਕ ਹੈ 4,000 ਤੱਕ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡੇਟਸ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਓਲੀਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਸੋਲੀਥਿਕ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚਰਨ। ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ ਨੂੰ 3 ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੂਰਵ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ, ਮੱਧ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਰਾਤਨ ਪੇਲੀਓਲੀਥਿਕ।
वैसे ये एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू ना देखिए ता ये की है इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मैं तुम दस देता है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि पेलियोलिथिक नु अगे किन्ने जाना विच डिवाइड किया गया सी जां वंडिया गया सी, ता तीन चरणों दे विच वंडिया गया सी। मेसोलिथिक दी गल करके ता इसका कोई चरण नहीं, नियोलिथिक की गल करके तां इसका कोई चरण नहीं, बट एक गल है कि मेसोलिथिक दे विच मध्यकालीन प्लस नवीनकालीन दोनों चल रहे सन उही इत्थे हन। तां इह क्वेश्चन की है इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआई जो पी बीबीआई भी कह दिंदे हां, आईएमपी भी कह दिंदे हां, तां इह इंपॉर्टेंट नहीं है। अगे आ गया लक्षण जो कि पेपर दे विच पूछा ही जाता है, ये तुहानू पता होना चाहिए है कि लक्षण मीन्स जो गुण है, लक्षण है जो गुण है वो की सानू लोगों के सानू पता होना चाहिए है। तो पेलियोलिथिक मैसोलिथिक नियोलिथिक तिना का जो है ये सानू गुण पता होने चाहिए हैं। तो देखो पेलियोलिथिक विच लोग अखेटक सन, अखेटक मैं जान के ये वर्ड पाया है क्योंकि ये सी टेट दे विच बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पी टेट दे विच भी अखेटक पा के पूछा जाता है। तो मैं दस दवा अखेटक का मतलब की होता है, शिकारी होता है, मीन्स ये लोग की करते सन, शिकार करते सन, खाने लिए भटकते सन, मीन्स एक जगह तो दूसरी जगह पर जाते सन, जब एक जगह पर खाने का समान जो सी वो खत्म हो जाता है तो वह दूजी जगह पर शिफ्ट हो जाते सन जिथे फल फ्रूट जानवर मिलते सन इन्हों, क्योंकि जानवर एक थान तो दूजी जगह चले जाते सन मौसम देख के, इस तरह ही ये पीछे पीछे चले जाते सन। इंपॉर्टेंट इन ये है खेती पशु पालन इस नहीं सी पेलियोलिथिक, उस तो अगे है शिकारी भी करते सन, शिकार करते सन, ये खाने लिए भटकते भी सन, ता शिकार करते सन। ता एक क्वेश्चन मैं तुहानू दस दिंदा हाँ कि इस दे विच मैसोलिथिक पीरियड दे विच जो है तीर कमान वरतन लग पए सन, मीन्स बो एंड एरो यूज होण लग पिया सी। तां किवें यूज होण लग गया सी तुहानू पता होना चाहिए है, पेलियोलिथिक दे विच बहुत ज्यादा गर्मी होंदी सी, तां की है कि उदों गर्मी रहिंदी सी तां लोग गुफावां विच रहिंदे सन, मैसोलिथिक दे विच की होया कि उह गर्मी दे नाल हौली हौली की है पानी इकट्ठा होण लग गया, तां उत्थे की है नदियां चलण लग गईयां, तां उह नदियां दे विच की सी मच्छियां आउण लग पईयां, मौसम परिवर्तन हो गया, पहला मौसम की सी स्टेबल सी ते परिवर्तन होण लग गया तां मच्छियां आउण लग गईयां, तां मच्छियां नूं इन्हां ने खाणा सी, तां इन्हां ने की है तीर कमान बणाया, बो एंड एरो बणाया, जिस नाल की है मच्छी दा शिकार करदे सन अते मच्छी नूं खांदे सन। तां बहुत बार क्वेश्चन आया है बो एंड एरो जां तीर कमान किस काल विच वरते जाण लग्गे, तां मैसोलिथिक च। सब तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है पशु पालन की शुरुआत, जो पशु पालन की शुरुआत हुई सी वह मैसोलिथिक पीरियड च हुई सी, अते पहला जानवर जो पालिया जाने वाला पहला जानवर सी वह सी कुत्ता, जो डॉग है वह फर्स्ट एनिमल होया है, डोमेस्टिक एनिमल भी कह सकते हैं, तो वह सी कुत्ता। उस तो अगे है नियोलिथिक, नियोलिथिक दे विच खेती होने लग पी, पशु पालन, स्थाई समाज का आरंभ, सब तो मेन इंपॉर्टेंट है स्थाई समाज का आरंभ, मीन्स एक जगह पे रहन लग पे है, इतने तो खाने लिए भटकते सन बट उत्थे की है एक जगह पे रहन लग पे, रहने के लिए की सी घर चाहिए सी, तो इन्होंने अपनिया जो सी झोंपड़ियां बनाया शुरू कर दतिया, तो इसे करके कह दिया कि हड़प्पा सभ्यता भी इतों ही निकली है, क्योंकि वो नगरी एक योजना तैयार करते सन, नगरी सभ्यता है, तो एक जगह पर रहते सन, तो स्थाई समाज है जो उसका आरंभ हो गया सी नियोलिथिक पीरियड के विच। नेक्स्ट है कपड़े, कपड़े की है पेलियोलिथिक दे विच नहीं पहनते सन, तां कपड़े नहीं पहनते सन पेलियोलिथिक वेले, मैसोलिथिक वेले कपड़े पहनने शुरू कर दिते सन,
कपड़े पहनने शुरू कदों कीते? मेसोलिथिक पीरियड च नहीं पहनते सन, पेलियोलिथिक च, नियोलिथिक दे विच कपड़े पहनते शुरू करता इन्होंने, ते मेसोलिथिक च नियोलिथिक दे विच थोड़े जिहे होर इह डिवेलप हो गए सन। मिले इत्थे पत्तियां दा घर, इह की है कपड़े पहनते सन बना के, इत्थे की है थोड़े जिहे इह डिवेलप हो गए सन। तां कपड़े दोनों थावां ते पहनते सन, इतने कपड़े यह नहीं पहनते सन, सम आर नेक्ड होंगे सन। तो अगे है औजार, मीनस उन्होंने हथियार, तो एक क्वाट जायत धात सी उसके नाल बनते सन, शलक ब्लेड, मीनस यह चीजा वरतिया जाती सी जानवरों का शिकार करने के लिए। तो इतने आप कुत्ता गया सी, पहला पशु पालन है, तो जो पशु पालन इतों शुरू होया, डोमैसटिक एनीमल जो है कुत्ता है। तो कुत्ता क्यों है? क्योंकि एक तो वह शिकार करने लिए वरत्या जाता सी, शिकार करवाउंदा सी, उन्हां दा दूजा की सी उन्हां दी देखभाल करता सी जानवरों तो। ता की है इस करके कुत्ता की है पहला जानवर होया है जो पालतू जानवर है। औजार दे विच क्वाट जैड शलक ब्लेड किथे वरते जाते सन? पेलियोलिथिक च। मैसोलिथिक दे विच बहुत बार क्वेश्चन आया है माइक्रोलिथिक पीरियड है जो पत्थर युग के किस पीरियड के नाल संबंधित है? तो वह है मैजोलिथिक। माइक्रोलिथिक, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो माइक्रोलिथिक या छोटे पत्थर कदों यूज किए जा लगे, कदों वरते जा लगे? मैजोलिथिक पीरियड के वरते जा लगे, क्योंकि इतने छोटे पत्थर के हथियार से जो बनाए जा लग पे सन, तो वह सी मैजोलिथिक। ते नियोलिथिक दे विच सलेट दे हथियार मिले हन, मीन चूना पत्थर जिसनूं कह दिंदे हां, चूना हुंदा उस ते की है हथियार मिले हन। उस तो अगे महत्वपूर्ण सथल, तो यह सानूं पता होना चाहिए है, सीधा ही क्वेश्चन आता है। पहला है महत्वपूर्ण सथल अतिरम पक्कम जो तमिलनाडु दे विच है, अते दूजा है हथ नौरा। अतिरम पक्कम तमिलनाडु जा हथ नौरा है मध्य प्रदेश च। इतों की है सानू सब तो पहला मनुख की खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, सबूत मिले हैं, मीनस मनुख का कंकाल मिलया है। तो सब तो पहला मनुख का कंकाल या मनुख की खोपड़ी कितों मिली है? अतिरम पक्कम हथ नौरा इतों मिले हैं, ये याद रखने हैं। अगे है बिंबेटका, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, तुसी देखिया होगा हरेक एग्जाम च ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। चित्रकारी दे सबूत सानू कित्थों मिलदे हन? बिंबेटका जिवें बिंबेटका कित्थे है? मध्य प्रदेश च है, जो नर्मदा घाटी के नेड़े है जिथे चित्रकारी दे सबूत मिले हैं। जगह का की नाम है? बिंबेटका। मीनस इसे तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिंबेटका मध्य प्रदेश च है, तो नर्मदा घाटी देड़े है, तो की है पुरातन चित्रकारी मिली है। ते सब तो इंपोर्टेंट यह है कि तीन काल पेलियोलिथिक, मैसोलिथिक, नियोलिथिक, तिना काल चित्रकारी के अवशेष बिंबेटका दे विचों मिले हैं, ये याद रखना है दोस्तों। तिना काल के जो मिले हैं अवशेष मिले हैं, चित्रकारी मिली है तिना काल की, कितों मिली है? बिंबेटका तो मिली है। मिर्जापुर, मिर्जापुर जो कि यूपी दे विच है, बहुत इंपोर्टेंट हैं ये चारे। मिर्जापुर है, इस दे विच की है तिना कालां दे हथियार मिले हैं, औजार मिले हैं जो वरते जाते सन। तो तिना कालां दे औजार कित्थों मिले हैं? वह मिले हैं मिर्जापुर यूपी चों। तिना कालां दी चित्रकारी कित्थों मिली है? बिंबेटका चों मिली है, जो पुरानी चित्रकारी सी। तो पुरानी गल भी हो जाने, क्योंकि पेलियोलिथिक की जो भी चीज आदमगढ़ है जो मध्य प्रदेश की है, सब तो पहला पशु पालन के सबूत मिले हैं। पशु पालन की गल करिए, सब तो पहला पशु केड़ा सी जो पाले गया सी? वो सी कुत्ता। ठीक है जी, कुत्ते नूं याद रखना, कुत्ता साडा की है पहला पालतू जानवर है, यह याद रखना। जिवें कि मनुख दे पूर्वज किस नूं कहा जांदा है? बांदरां नूं कहा जांदा है। तां इसे तरह पहला पालतू जानवर कहिड़ा सी? उह सी
कुत्ता क्यों सी मैं तुम्हें दस्या है। तुसी जेकर वीडियो विचों देख रहे हो विचारों देख रहे हो तां उह लाइन पिछे बैक करके देख लैना कि मैं तुहानूं दस्सिया है कुत्ते दे बारे। तां बंगौर ते आजमगढ़ तों सानूं सबूत मिले हन कि सब तों पहला पशु पालन जो होया है मैसोलिथिक पीरियड दे विच होया है। चंपानी मांडो जो कि यूपी दे विच है उत्थों सानूं की मिले हन पुरातन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो मिट्टी के बर्तन होंगे सन जो इंग्लिश पॉट्स कहा जाता है तो वह सानू कितों मिले हैं चुपानी मांडो जो कि यूपी के विच है उतों मिले हैं। तो दोस्तों ये नाम याद रखने हैं ये नाम याद रखने हैं। तो नियोलिथिक पीरियड के विच आ जाइए तो बुर्ज होम वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत बार पूछा गया है दोस्तों इन्हों लाइटली नहीं लेना। बुर्ज होम है जो ये कश्मीर दे विच है जम्मू कश्मीर भी पा सकता है कल्ला कश्मीर भी याद रखना है तो बुर्ज होम कश्मीर विच है। तो उतों सानू किते सबूत मिले हैं गर्तवास सीधा पूछता है गर्तवास सानू कितों प्राप्त होया है या इस दे विशेष कितों प्राप्त होए हैं तो वो है बुर्ज होम। गर्तवास का मतलब है कि वह धरती के विच लोग रहिंदे सन धरती के विच खाड़ा पट के रहिंदे सन अते उत्थे ही उन्होंने अपना निवास कर लिया सी भी जिसनों असी हुण बंकर कहिंदे हाँ। यह गर्तवास कितों शुरू होया नियोलिथिक पीरियड तो शुरू होया। एक होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मालक नाल कुत्ता जो कि साडा पहला जानवर पालिया गया सी वो है मालक दे नाल कुत्ता दफनाया गया उस दे सबूत कित्थों मिले हन जम्मू कश्मीर मेल कश्मीर तो मिले हन बुर्ज होम तो मिले हन। जिस तरह मर्जी क्वेश्चन पूछ लवे तुहानूं आउणा चाहीदा है। इस करके कह रहे हैं कि तुसी मेरी वीडियो नूं चंगी तरह ना देखो इस नूं लाइटली ना लो। अगे है कोल्डी हवा कोल डीबा भी कह देंगे हैं कोल डी हवा भी कह देंगे हैं। ये है यूपी दे विच इतों दोस्तों सानू चावल दे अवशेष मिल सबूत मिले हैं। तां चावल दे सबूत कित्थों मिले हैं वो हैं कोल डी हवा। चावल दे सबूत किस पत्रकार दे चरण विचों मिले हैं जां किस काल विचों मिले हैं तां वो है नियोलिथिक पीरियड नियोलिथिक काल दे विचों मिले हैं। अगे है मेहरगढ़ तां असीं कह दिंदे हां कि हे परमात्मा मेहर कर साडा घर होवे तां मेहर तो तुसीं याद रखना है घर तां जो है होम है घर है तां मीन झोंपड़ी है जो झोंपड़ी दे सबूत मिले हन सानूं कित्थों मिले हन मेहर कर तो मिले हन क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया है कि समाज का आरंभ हो गया सी तां की हो गया सी कि लोग उत्थे वसन लग पए सन एक जगह ते वसन लग पए सन तां उत्थे की सी उन्हां दे रहण लई की आ घर जरूरी सी तां झोंपड़ी दे अवशेष सबूत सानूं कित्थों मिले हन मेहरगढ़ तो मिले हन। दोस्तों भुलना नहीं बहुत ही ज्यादा वधिया तरीके नाल तुहानूं दस्सिया है इह स्टोन एज जिस तों सारे कहिंदे हन कि इह वैसे ही आ चैप्टर तुहानूं देखो किन्नियां गल्लां दस्सदियां जो कि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। मास्टर कैडर के विच इत्थों क्वेश्चन आ सकते हैं अदर एग्जाम के विचों इत्थों क्वेश्चन आ सकते हैं मीन्स सारे सारे जिन्हें भी पेपर असीं दे रहे हैं भावें ईटीटी वाले हो मास्टर कैडर वाले हो जां अदर कंपीटेटिव एग्जाम हो एसएससी बैंक यूपीएससी पीपीएससी सारे की हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ही असीं एग्जाम देने हाँ। जेकर एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गई तां साडी की है मेहनत दा फल सानूं मिल जाएगा। इस करके कहना हाँ कि इसनूं चंगी तरह ना देखो अते इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करो। तां मेहरगढ़ दे विच झोंपड़ी मिली है अते खेती दे की है सानूं सबूत मिले हन खेती उत्थे हुंदी सी तां खेती किथे होण लगी है साडे नियोलिथिक पीरियड च होण लगी है पशु पालन किथे होया मैसोलिथिक च तां इत्थे पशु पालन हो गया इत्थे की है पशु इत्थे कुत्ता पालिया गया सब तो पहला कुत्ता सी अते बाद विच होर जानवर पाले जाण लगे तां खेती भी उत्थे इक उहनां दा मुख किस्सा बण गया। चावल अते कणक की सी इहनां दीआं मुख फसलां सन।
ਤਾਂ ਚਾਵਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ। ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੋਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਜੇਕਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਮੀਨਸ ਦੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਗਾਰੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਅੱਗ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਮਾਨਵ ਨੇ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਗੇ ਕੀ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਖੇਟਰ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਜ਼ੋਲਿਥਿਕ ਤੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇਕੱਠਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਕਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਮਾਨਵ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਕਾ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਚ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ, ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਹੀਆ ਤੇ ਖੇਤੀ। ਮੀਨਸ ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਚ। ਤੇ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਖੇਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਗੱਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੱਡਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਹੀਆਂ ਤੇ, ਰੁੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਸਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਟਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਹੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਹੀਆ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹੀਏ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਚ। ਅੱਗ ਦੀ ਖੋਜ ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ, ਅੱਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਚ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਟੋਨ ਏਜ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮੈਸੋਲਿਥਿਕ, ਪੇਲੀਓਲਿਥਿਕ ਤੇ ਨਿਓਲਿਥਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਸਟੋਨ ਏਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਨ ਏਜ ਕਵਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਬਟਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ।
ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।